आज हम डिस्कस करेंगे ब्रो वॉल और स्टोन पिजन के बारे में, क्यों इसकी ज़रूरत होती है, हमें क्यों ब्रिज के अबटमेंट में ब्रो वॉल और स्टोन पिजन का काम करना पड़ता है। बेसिकली जो अबटमेंट है, अबटमेंट क्या है, अबटमेंट है जो हर ब्रिज के एंड टू एंड में होते हैं, अबटमेंट कहलाते हैं। बीच में पियर्स होते हैं और हर स्पान के एंड में एक अबटमेंट होता है एंड टू एंड पे। जैसे कि कोई रिवर है और बीच से कोई रेलवे ट्रैक जा रहा है या हाईवे जा रहा है, तो रिवर के बोथ एंड्स पे हमें अबटमेंट बनाने पड़ते हैं, तो वो दैट इज़ कॉल्ड अबटमेंट। अब अबटमेंट में दो केसेस होते हैं। जैसे ही हम उसको रोड या किसी अदर कनेक्टिविटी से ब्रिज को ऐड करते हैं, तो साइड में हमको स्लोप प्रोवाइड करना पड़ता है। तो स्लोप जब हम प्रोवाइड करते हैं, वो जो सेटअप है, जो एम्बैंकमेंट है, अबटमेंट है, या जो सॉइल का सेटअप है, वो स्टेबल रहे, उसकी स्टेबिलिटी के लिए हम स्टोन ब्रिजिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो सेटअप है ये स्टोन पिचिंग है। अब स्टोन पिचिंग हमने कर लिया, स्टोन पिचिंग अब, और ये जो आप देख रहे हैं ये बर्म है। अब बर्म हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, हम आपको क्रॉस सेक्शन में दिखाएंगे। जब भी एम्बैंकमेंट का जो डेप्थ है वो डिज़ाइन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हो या काफ़ी ज़्यादा डेप्थ हो, तो हम एक स्लोप मेंटेन करते हैं। जैसे इस ड्राइंग में 1:1 का स्लोप मेंटेन किया है, बट यहाँ पर जो है डेप्थ काफ़ी ज़्यादा हायर साइड हो रही है या काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कुछ दूरी में ले जाकर एक बर्म प्रोवाइड करते हैं, जो उसके ऊपर बने स्लोप द्वारा क्रिएट किए गए ये सेटअप को बर्म स्टेबल करता है। अब स्टेबिलिटी के बाद हमको तो पूरा नीचे डेप्थ तक ले जाना है, तो फिर हम नीचे फिर सेम स्लोप पे उसको नीचे तक ले जाते हैं, तो ये स्टोन पिचिंग कहलाती है। अब ये स्टोन पिचिंग आपने देख ली, ये बर्म देख लिया 1.5 मीटर का। इसके बाद जो टो वॉल है, टो वॉल क्या करता है, एक इस पे आपको दिखाता हूँ टो वॉल कैसे दिखता है। टो वॉल इस तरह का होता है, जस्ट लाइक अ रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल में दोनों साइड से बोथ एंड्स पे एक कर्व की तरह घूम के जाता है। रिटेनिंग बेसिकली आरसीसी का स्ट्रक्चर होता है, इसमें स्टील और कंक्रीट दोनों होता है। जैसा कि रिटेनिंग वॉल बनाते हैं, सेम वैसा ही ये करीब 1 to 1.5 मीटर का एक सेटअप होता है, जो बोल्डर्स को जो स्लोप में बोल्डर्स आते हैं तो इस स्लोप प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो ये एक टो वॉल हो गई और ये बम हो गया, ये स्टोन पिचिंग हो गई। बेसिकली इसमें तीन चीज़ें हैं। काफ़ी बार ये डाउट रहता है कि टो वॉल किसे बोलते हैं ब्रिज में और स्टोन पिचिंग क्या होता है। ये सभी स्लोप प्रोटेक्शन में यूज़ होते हैं, स्लोप प्रोटेक्शन वर्क के अंतर्गत आते हैं। स्लोप प्रोटेक्शन वर्क में स्टोन पिचिंग हो गया। अब बम्स, बम एक टर्म हो गई। बम क्या है, जब भी डेप्थ जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो हम एक स्पेसिफाइड स्लोप मेंटेन करके चलते हैं, तो उस स्लोप को हम काफ़ी ज़्यादा डेप्थ तक नहीं ले जा सकते, तो क्योंकि अगर हम काफ़ी ज़्यादा डीप तक ले जाएंगे तो उसमें जो स्लोप मेंटेन करके लाए हैं वो स्लोप सक्सेस नहीं होगा। जब भी इसमें लोड पड़ेगा वो सॉइल इरोड हो जाएगी और वहाँ पर स्लोप की स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। तो स्लोप की स्टेबिलिटी बनाने के लिए हम बर्म प्रोवाइड करते हैं, और बर्म प्रोवाइड करने के बाद फिर हम अगेन स्लोप देते हैं, तो इससे जो हमारा स्लोप का स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगा। तो ये इसके पीछे एक कंसेप्ट है। अब जैसे ये एम्बैंकमेंट है, अब एम्बैंकमेंट का जो फाउंडेशन है आप देखेंगे पूरे सेटअप के आउटर तक गया हुआ है ये। सो यहाँ पर जो भी लोडिंग एक्टिविटी होती है, क्योंकि ये ओवरटर्न नहीं कर सकता, यहाँ पर जो भी लोड आएगा वो इसको इस पे जाएगा, इस लोड को ये यहाँ पर ट्रांसफर करेगा, और यहाँ पर जो लोड आने वाला है इस स्लैब में, इस स्लैब से जो लोड आएगा वो नीचे डाउनवर्ड आएगा और ये दोनों को बैलेंस करेगा। तो यही एक कंसेप्ट है इसका, कि जो इसमें ओवरटर्निंग मेथड होती है, जैसा कि आप डैम में देखते हैं, तो डैम के केस में क्या होता है कि स्ट्रक्चर इतना हैवी बना देते हैं, जस्ट लाइक हाथी पाव। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, हाथी पाव जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब इसके पैर हो गए
जिस लगे जैसे अपने पैर होते हैं, उस तरह की स्टेबिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करने को मिल रही है। बेसिकली यहाँ पर नीड थी इसलिए दिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस फाउंडेशन के ऊपर हम ये अपना पूरा सेटअप करेंगे, तो इसका जो वेट होगा और इस पे आने वाला जो वेट है दोनों को बैलेंस करेगा, तो ये स्ट्रक्चर हमारा बैलेंसिंग कंडीशन में रहेगा। इसके अलावा जब आप पियर का सेटअप देखेंगे तो पियर के केस में हमको अभी ये जो व्यू कहलाते हैं ये अपना एलिवेशन कहलाता है। ये जो व्यू है इसको हम एलिवेशन बोलते हैं। इसके बाद ये जो है ये प्लान है, तो प्लान में हमको हमेशा क्या दिखता है, उसका जो विड्थ है, जो भी स्ट्रक्चर का विड्थ है या स्ट्रक्चर का शेप कैसा होना है वो भी दिख जाता है हमको। और ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन में हमको रेलवे ट्रैक, अब ये जो आप देख रहे होंगे ये स्लोप आया, ये बम दिया और फिर ये स्लोप गया और यहाँ पर हमने ये टो वाल बना रखी है। तो दीज आर ऑल द थिंग्स कि क्या चीज़ है, कैसे हमको हैंडल करना है, उस स्लोप स्टेबिलिटी के लिए कैसे हमको वर्क करना है। तो बेसिकली इसमें जो टो वाल होता है वो ये है, और स्टोन पिचिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम टो वाल यूज़ करते हैं। बस कभी आपने देखा होगा कि ब्रिज, कोई भी माइनर ब्रिजेस होते हैं जो भी रेलवे ट्रैक पे होते हैं, वहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई होती हैं, स्टेयर केस दिए जाते हैं, तो ये वो स्टेयर केस है जो स्टोन पिचिंग के एंड टू एंड में रहते हैं। ओके, थैंक यू।